विशेष बात यह है कि जो भी हमको जो श्री कृष्ण भगवान गीता के अंदर है, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन तू तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा। और आज हम इतने आप और हम सभी इतने पुण्यशील हैं कि वो तत्वदर्शी महापुरुष का जो वास्तविक जो है वो स्थल यही है। इससे ऊंचा और संसार में तत्वदर्शी जिस पर हम धाम मौजूद हैं अभी, इससे महान हो चुकी है। प्रेम से बोले सिद्धांत जी महाराज की। तो ये तत्वदर्शी की सभी श्री कृष्ण भगवान ने भी महिमा करी है। अर्जुन तू तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जा। और हमारा हमारा भी जो है ना जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो है परमपद की प्राप्ति। इसलिए मिला हमको मानव तन। और वो परमपद की प्राप्ति कब होगी? हम तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाएंगे। वैसे तो बहुत जगह चलता है, बहुत जगह चलता है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है हमको तत्वदर्शी महापुरुष की सत्संग। बहुत ही कम, बहुत बड़ी दुर्लभ है। तो दुर्लभ है तो हमारे को सुलभ हो गई। अरे यहाँ ही हो गई। देखो विदेशों के अंदर पोजीशन ऐसी है, अपने देश से और अलग देश है, वहां पर वातावरण का भी मामला गड़बड़ है। कहीं गर्मी ज्यादा है, कहीं सर्दी ज्यादा है, लेकिन हमारे तीन ऋतु बराबर है भारत देश के अंदर। देखो जितने भी संतों का अवतार हुआ है तो इस भारत देश के अंदर हुआ है। और देशों के अंदर यह ब्रह्म विद्या का बहुत ही बड़ा अभाव है हमारे देश के अंदर। अवतारी हुए जितने भी अवतारी हुए हमारे देश के अंदर हुए। तो हम तो कोई बड़े वैसे देखो तो बहुत बड़े भाग्यशील भाग्यवान है जो कि हमारे को तत्वदर्शी महापुरुष श्री नारायण जी महाराज जो हमारे एरिया में ही, हमारे को कहीं भटकना ही नहीं पड़ा, हमको कहीं जाना ही नहीं पड़ा, हमको कहीं कुछ बागादौड़ करनी, घर बैठे गंगा मिल गई। तो इतने बड़े पुण्यशील है हम, हमारे से महान कोई और बड़ा पुण्यशील नहीं है। तो इसलिए मेरा तो थोड़ा सा निवेदन यही है कि आप जो सुनते हो ये बहुत महान पुण्यशील हो, लेकिन औरों को भी आपका जो भी इष्ट मित्र है, आपके जो भी ये बायराम के भी कोई सहेलिया है और जो कहना मानती है, उनको जरूर सत्संग में जरूर जरूर लेकर आओ कि इससे महान कोई दूसरी सुख देने वाला स्थान नहीं है, कहीं भी नहीं है ऐसी व्यवस्था जो व्यवस्था यहाँ पर तत्व ज्ञान की दर्शाई जाती है महापुरुषों के द्वारा। और इससे हमारा हित होगा और कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि तत्वदर्शी महापुरुषों के सत्संग तो बहुत कम मिलती है, बहुत ही कम। और हमारे को देखो यहाँ की यहाँ, इसलिए मैं तो सभी से यह निवेदन करता हूँ कि औरों को भी अन्य को भी है ना बहुत बड़ा पुण्य होगा, आपका भी पुण्य होगा, आपको भी अपने परमपद की प्राप्ति होगी, तो औरों को भी आप लेकर आओगे तो ये भी बहुत महान पुण्य होगा। तो एक एक मतलब जो भी कहना मानता है, जो अपनी बाड़ी में विश्वास रखता है, जो अपना मित्र है क्या इष्ट, तो जरूर लेकर आए। और इसको है ना इससे बढ़िया और मौका, इससे बढ़िया कोई अवसर है, इससे बढ़िया कोई स्थान संसार में इस तत्व ज्ञान के सत्संग से अलावा ऊंची और कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें ब्रह्म विद्या में शामिल किया जावे। जय बोलो सतगुरुदेव भगवान की।